Hello my dear students, welcome to Science Adhyayan. Hope you all are preparing well. So in this video we are going to start a new chapter for class 8 students who are preparing for National Science Olympiad, and this chapter is conservation of plants and animals, and we will see some important questions here. So before starting this video, if you are new in our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you will get all notifications for further videos. Now start the video. So the first question is, name the sphere that supports life and where living organism exist. Option number A, atmosphere. Option number B, lithosphere. And option number C, biosphere. तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऐसे sphere का हमको name बताना है जहाँ पर कि life जो है वो support करती है. तो ऐसे sphere को क्या बोला जाता है? तो ऐसे sphere को हम बोलते हैं biosphere, जहाँ पे कि plant, animal जितने भी होते हैं वो सभी survive कर पाते हैं. तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option नंबर सी. Now you can see biosphere here. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरी पार्ट है ये क्या है, हमारा एटमोसफेयर है. उसके बाद ये जो लैंड पार्ट है ये क्या है, हमारा लिथोस्फेयर. उसके बाद ये जो वाटर वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा ये हाइड्रोस्फेयर है. तो ये इन तीनों को मिला के जो कॉमन स्फेयर बन रहा है, जहाँ पर कि एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर तीनों ही जो मिल रहे हैं, तो इस कॉमन पार्ट को हम बोलते हैं बायोस्फेयर, जहाँ पर कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं. क्वेश्चन नंबर टू इज, नेम द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस. ऑप्शन नंबर ए बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी सेंचुरी एंड ऑप्शन नंबर सी बीच. तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे एरिया का हमको नाम बताना है जहाँ पे कि जो एनिमल्स जो हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. तो इस तरह के एरिया को हम बोलते हैं सेंचुरी या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. तो यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो इंडिया में प्रेजेंट है वो दे रखी है, तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा. तो यहाँ से जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंचुरीज़ है उनको आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन नंबर थ्री इज द किलिंग ऑफ एनिमल्स इलीगली इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर ए पोचिंग, ऑप्शन नंबर बी हंटिंग एंड ऑप्शन नंबर सी असैसिनेटिंग. तो एनिमल्स को जो इलीगली जो है किल किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पोचिंग. तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर फोर इज, डिफरेंट स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट थ्रेट कैटेगरीज इन द. ऑप्शन नंबर ए येलो डेटा बुक, ऑप्शन नंबर बी रेड डेटा बुक एंड ऑप्शन नंबर सी ग्रीन डेटा बुक. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको ऐसे डेटा बुक का नाम बताना है जहाँ पर कि डिफरेंट स्पीसीज को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट कैटेगरीज. तो इस तरह की जो बुक है उसका एक नाम है जिसे बोला जाता है रेड डेटा बुक. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. सो रेड डेटा बुक को इशू करने का जो वर्क किया जाता है वो IUCN के द्वारा किया जाता है, जो कि है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो ये जो यूनियन होती है ये रेड डेटा बुक को प्रोवाइड करती है. तो ये क्या होता है, इस बुक के अंदर जो भी एनिमल्स जो कि डेंजर की कैटेगरी में आ गए हैं या फिर आने वाले होते हैं तो उनकी जो टोटल इन्फॉर्मेशन है इस बुक में दी जाती है. तो इस तरह से रेड डेटा बुक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. क्वेश्चन नंबर फाइव इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर ए कंजर्वेशन कैटेगरी ऑफ वाइल्ड लाइफ. ऑप्शन नंबर ए इंडेमिक, ऑप्शन नंबर बी इंडेंजर्ड एंड ऑप्शन नंबर सी वल्नरेबल. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों कैटेगरी में से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो कि वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन कैटेगरी के अंडर नहीं आती है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या हैं. तो सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर ए है इंडेमिक, तो ये क्या होती है, ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि किसी लिमिटेड पार्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, लेकिन ये क्या होती है, डेंजर्ड नहीं होती है, ये एक्सटिंक्ट होने वाली नहीं होती हैं. वहीं पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं ये क्या होती हैं, ये हाई रिस्क पर होती हैं और जो कि एक्सटिंक्ट होने ही वाली होती हैं. इसके बाद जो वल्नरेबल जो स्पीसीज होती हैं ये ऐसी होती हैं जो कि जो है इंडेंजर्ड होने वाली होती हैं. अगर इनको इस तरह की कंडीशन नहीं मिले तो ये क्या हो जाती हैं, ये भी इंडेंजर्ड जो है ये होने वाली होती हैं, लेकिन ये जो है हाई रिस्क पर नहीं होती हैं. सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज का ही होता है. इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो एंडेमिक है वो क्या होती है, वो रिस्क पर नहीं होती है, इसलिए इनको वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन कैटेगरी के अंडर में नहीं रखा जाता है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर सिक्स इज काउज ऑफ ड्रॉट्स इज ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, ऑप्शन नंबर बी ड्यू टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर जो है ड्रॉट्स यानी कि सूखे का कारण पूछा गया है, तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्या होता है कि जब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने लगता है तो ये क्या करता है, ये वाटर साइकिल को जो है डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि कारण जो है रेनफॉल जो है वो कम होने लगती है। इसीलिए इसका जो मेन जो रीज़न है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेवन इज आवर बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ वेरियस इकोसिस्टम्स, ऑल इकोसिस्टम्स आर ऑप्शन नंबर ए इंटरकनेक्टेड, ऑप्शन नंबर बी इंटर रिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी इंटर स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो जो हमारा जो बायोस्फीयर होता है जिसमें कि डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होते हैं और इंटर रिलेटेड भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर एट इज फाइनेस्ट टीक ऑफ इंडिया इज फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए फॉरेस्ट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट ऑफ सतपुरा एंड ऑप्शन नंबर सी सुंदरबंस। तो जो फाइनेस्ट टीक ऑफ इंडिया होती है जो कि एक लकड़ी का एक टाइप होता है तो ये पाया जाता है सतपुरा के पहाड़ियों में, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉरेस्ट ऑफ सतपुरा। क्वेश्चन नंबर नाइन इज द ग्रोइंग ऑफ मोर एंड मोर प्लांट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए डीफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर बी रीफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। तो जो प्लांट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रो करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रीफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर जो टर्म है डी, ये एक निगेटिव टर्म होता है, तो इस तरह से भी आप इसे पहचान सकते हैं। तो डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट को हटाना, उसको रिमूव करना, वहीं पर जो री है यानी कि दोबारा, तो इसका मतलब है कि प्लांट को हम दोबारा जो है बार बार लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न घाट्स, ऑप्शन नंबर बी सतपुरा नेशनल पार्क एंड ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहाँ पर पूछा गया, इस टर्म को ध्यान दीजिए कि ये है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट। अगर यहाँ पे सिर्फ नेशनल पार्क की बात होती तो हम बोल सकते थे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, लेकिन यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट की बात की गई है तो ये जो है यहाँ पर सतपुरा नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर है उसके फौना में जो है कौन सा पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या ए दिया हुआ है ब्लू बुल, ऑप्शन नंबर बी यॉक एंड ऑप्शन नंबर सी लियोपार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या है, तो ये जो यॉक होता है ये क्या होता है, ये जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर का जो है ये पार्ट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज टू प्रोटेक्ट टाइगर्स इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन, ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1973 एंड ऑप्शन नंबर सी 1988। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था इंडिया में जो कि टाइगर को जो प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तो ये जो है 1973 में ये प्रोजेक्ट आया था, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, तो इसको आप याद ही रखिएगा कि 1973 में जो है ये प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग 12 क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं, तो मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा और हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना भी ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।